हाय गाइस, वेलकम बैक। देखते हैं इस वक्त आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में, सोच भी रहे हैं या नहीं। सोच रहे हैं तो क्या चल रहा है उनके मन में आपके लिए, उनका थॉट क्या है, फीलिंग्स क्या है आपके लिए। कलेक्टिव टाइम में सोलर रीडिंग है और साइंस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। तो चलिए, आप उन पर फोकस कीजिए, आप अपने पार्टनर पर फोकस करें, उनके बारे में सोचिए क्या चल रहा है उनके मन में, उनके थॉट में क्या सोच रहे हैं वो। क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर इस वक्त? नथिंगनेस एंड अवेयरनेस। रिबर्थ। आपके पार्टनर की एनर्जी, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन को एक नई शुरुआत चाहिए, एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ, एक न्यू फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ। पर इस पर्सन को कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे आपको अप्रोच किया जाए, इस पर्सन को कुछ समझ नहीं आ रहा है। आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं, नो कॉन्टैक्ट में कॉन्टैक्ट में आना चाहते हैं। अगर आप दोनों की भी सेपरेशन चल रहा है, सेपरेटेड हो, तो यूनियन चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं। पर कैसे किया जाए, कैसे किया जाए, आपको अप्रोच कैसे किया जाए, आपके साथ एक नई शुरुआत कैसे किया जाए, एक न्यू बिगनिंग कैसे किया जाए, इस पर्सन को कुछ समझ नहीं आ रहा है। आपके पार्टनर को कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, डीप सोच रहे हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, आपके रिश्ते के बारे में, अवेयर हो रहे हैं चीज़ों को लेकर, ठीक है। ये मुझे दिखाई दिया है, इनको ये भी लग रहा है कि अगर इस पर्सन ने अब आपके पास नहीं आया, आपको कांटेक्ट नहीं किया, आपके तरफ इन्होंने एक्शन नहीं लिया, तो ये पर्सन आपको खो देंगे, ठीक है। आपको खोने का डर दिखाई दे रहा है मुझे, कहीं आपके लाइफ में कोई और नहीं आ जाए, कहीं आप अपनी लाइफ का एक नई शुरुआत कहीं और ना कर लो, किसी और के साथ ना कर लो। ये काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है, इनके साथ आपका डीप कनेक्शन है, आप लोग टेलीपैथिकली बात करते हो एक दूसरे से, आपका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है इस पर्सन के साथ, आप फील कर पाते हो इनकी एनर्जी। ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपको ये फील हो रही है, आप फील करते हो। क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर इस वक्त, उनके मन में क्या चल रहा है? गाइडेंस। गाइस, इनको गॉड की तरफ से आपके तरफ धकेला जा रहा है, आपके तरफ भेजा जा रहा है, ठीक है, आपके पार्टनर को भेजा जा रहा है आपके तरफ, इनको गाइड किया जा रहा है, ठीक है। पर ये पर्सन, मुझे नहीं लग रहा है कि ये पर्सन समझ रहे हैं, अपने इंट्यूशन का सुन रहे हैं, अपने इंट्यूशन का सुनने की कोशिश कर रहे हैं, पर एक्शंस लेते हुए पर्सन मुझे नहीं दिखाई दिए हैं अभी तक, ठीक है। पर मुझे आने वाले दिनों में ये दिखाई दे रहा है, अगर कोई बंधन है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या कोई स्ट्रक्चर सिचुएशन है, तो ये पर्सन वहाँ से तोड़ कर वहाँ आपके पास आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं कि अब इस पर्सन को आपके साथ यूनियन से, रिकंसिलेशन से कोई नहीं रोक सकता। ये इनके एनर्जी दिखाई दे रहा है मुझे, ये पुराने दिनों को याद कर रहे हैं, जब ये आपके पास, आपके साथ काफ़ी ज़्यादा हैप्पी रहा करते थे, कंपेयर कर रहे हैं आज के दिनों को और पास्ट लाइफ को, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा कंपेयर कर रहे हैं पर्सन, कैसे आप दोनों पहले काफ़ी ज़्यादा हैप्पी थे एक दूसरे के साथ, खुश थे, ये आपके साथ हैप्पी थे, ये पर्सन आपको अपने हैप्पीनेस का सोर्स मानते हैं, और अभी आपके बिना तड़पते हुए तो नहीं दिखाई दे रहे, पर ये पर्सन खुश भी नहीं है, ठीक है, ये पर्सन खुश भी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा डीप सोच रहे हैं ये आपके बारे में, पॉजिटिव हो रहे हैं, और ये पर्सन पॉजिटिव हो रहे हैं। कभी एक वक्त पर आपके पार्टनर को ये लगा था कि आप दोनों को सक्सेस नहीं मिलेगी इस रिश्ते पर, कुछ नहीं हो सकता, कैसे होगा, इस पर्सन को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो ये पर्सन अब थोड़े से मैच्योर हो रहे हैं, इमैच्योरिटी, काफ़ी ज़्यादा इमैच्योर था ये पर्सन, ठीक है, इमैच्योर बिहेव इन्होंने किया है, गलतियां हुई है इनसे, पर ये अब ये पर्सन मैच्योर हो रहे हैं, खुद को अकेला फील करते हैं आपके बिना, आप दोनों के बीच लड़ाई चल रही है, कॉम्प्रोमाइज़ चाहते हैं ये पर्सन, कॉम्प्रोमाइज़ चाहते हैं, आप कॉम्प्रोमाइज़ करो थोड़ा सा, ये पर्सन कॉम्प्रोमाइज़ करें, क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स, क्या है आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए, क्या सोच रहे हैं ये।
सेवन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देखिए मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर अपने कैरियर पर एक स्टेबल चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, स्टेबल लाइफ आपको देना चाहते हैं, आपको एक सिक्योर लाइफ देना चाहते हैं। आपके पास आते हैं तो कोई ऑफर लेकर आना चाहते हैं, कमिटमेंट लेकर आना चाहते हैं, प्रपोजल लेकर आना चाहते हैं, ऐसे नहीं। अगर आते हैं तो आपको पूरी लाइफ टाइम के लिए अपना बनाने के लिए आना चाहते हैं, ठीक है। इनकी एनर्जी ऐसा आ रहा है मुझे, इनकी फीलिंग्स ये है, ये आपसे बेहद प्यार करते हैं और ज़्यादा इंक्रीज हो रही है इनका लव आपके लिए, ओके। और ये पर्सन आते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इस पर्सन को फैमिली चाहिए आपके साथ, फ्यूचर चाहिए आपके साथ। अगर ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हो तो एक नई शुरुआत, रीयूनियन इस पर्सन को चाहिए। स्टैंड नहीं ले पा रहे थे, एक्शन नहीं ले पा रहे थे आपके लिए, इनकी एनर्जी पास्ट में ऐसी थी, तो अब ये पर्सन वो करना चाहते हैं, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। और ये पर्सन लेंगे किसी भी तरह का मेजर डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं ये मुझे, ठीक है। एक मेजर डिसीजन लेना चाहते हैं और ये लेंगे, और ये आपकी लव लाइफ को लेकर ही है। काफी ज्यादा लव फील कर रहे हैं आपके लिए। फोर ऑफ वॉन्ड्स, ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं, ओके। मैरिज, आपको एक सिक्योर लाइफ देना, आपको एक ब्यूटीफुल लाइफ देना, ये पर्सन ऐसा चाहते हैं। कुछ लोगों को डिले होगी, ठीक है, इस पर्सन को आपके पास आने में डिले होगी क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हमें मिला है, और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन बहुत ही जल्दी आ रहे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पिसेस है यहाँ पर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सैजिटेरियस और जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। क्या होगा आपके पार्टनर का अगला कदम, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके पार्टनर का? फाइव ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, इन यहाँ पर आया है सन। काफी ज्यादा पॉजिटिव कार्ड आया है, जिस पर्सन ने आपको छोड़कर गए थे ये पर्सन आ भी रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन को एक नई शुरुआत चाहिए, न्यू बिगनिंग चाहिए। ये पर्सन आपके साथ ही खुश रह पाते हैं, आपके बिना दुखी हैं, परेशान हैं, खुश तो नहीं हैं, काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं, प्रेयर कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। ये पर्सन आपको चेस करने वाले हैं अब। फोर ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, किसी भी तरह का प्रपोजल ये पर्सन आपको देंगे, ठीक है। पर ये अभी इस वक्त ये सोच रहे हैं अगर ये आपसे बातचीत करते हैं तब आप दोनों के बीच लड़ाई हो जाएगी, ये इनकी एनर्जी है। पर ज़्यादा दिनों तक ये स्ट्रक्चर सिचुएशन नहीं रहेगा, ये पर्सन डिसीजन लेंगे, ये पर्सन एक्शन लेंगे। गाइस देखते हैं साईं बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, उनका मैसेज आपके लिए क्या है। धुनी, आपकी चिंताएं, डर, गुस्सा, दर्द और ईर्ष्या और आपकी बीमारियां मेरी धुनी में जला दीजिए। तो जितने भी आप में निगेटिविटी है, निगेटिव थॉट, डर, आपका फियर, ईर्ष्या, सलन, ठीक है, जितना भी निगेटिविटी है साईं बाबा आपसे कर रहे हैं कि आप उनकी धुनी में जला दें और पॉजिटिव रहिए। साईं बाबा आपसे ये भी कह रहे हैं कि आप अकेले नहीं हो, ठीक है, आप अकेले नहीं हो अपनी लाइफ में, वो आपके साथ हैं, हर पल साथ हैं, हर सिचुएशन में वो आपके साथ हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो देखिए आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप पॉजिटिव रहिए, होपफुल रहिए। अगर आप अपने होप को लूज़ किया, अपने होप खो दिया, तो जो बेटर चीज़ें होगी ना उसमें डिले होगी, ठीक है। तो आप पॉजिटिव ही रहिए, सब कुछ सही होगा आप दोनों के बीच, सॉरी, सब कुछ सही होगा आप दोनों के बीच, आप पॉजिटिव रहिए, गॉड पर भरोसा कीजिए, वो आपके साथ हैं, आपके रिश्ते को प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो, ओके। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर।